तो क्या है दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई एनिमे के बारे में जो कि मैं रिसेंटली देखा और जो कि आपको देखने को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, और बहुत ही अजीब और बियर्ड और एकदम ही अलग कंटेंट लगा मुझे देखने में और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एकदम से बिल्कुल जो ट्रेंड में चल रही होती हैं चीज़ें उनसे हट कर के एक अलग ही चीज़ देखने को मिली, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि एनिमे कैसा रहा, कैसा लगा और मुझे कैसा लगा और मैं क्या सोचता हूँ उस एनिमे के बारे में। तो इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है डेविलमैन क्राई बेबी। और जितना अजीब आपको उसका ये नाम सुनकर के लगेगा, ये एनिमे भी उतना ज़्यादा अजीब ही है। और जब आप उसको देखोगे तो मतलब हर एपिसोड में आप ये देखेगा कि भाई अच्छा चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। इस तरह के आपके रिएक्शन होने वाले हैं और मतलब पूरा ही एनिमे इस तरीके का है कि आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे अगले ही के बाद, इस मोमेंट के बाद इस एनिमे में क्या होने वाला है। इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल ये एनिमे है और इतनी सारी अजीब चीज़ें होती हैं और बहुत ही अलग लेवल पर होती है, मतलब मज़ा ही आ जाता है देखने में। और बात करूँ इसके एनिमे के बारे में, मतलब इसमें ना बहुत ही एक डेविल, जैसे इसके नाम में भी डेविल मैन क्राई बेबी है, तो इसमें डेविल्स का दिखाया है, तो डीमन्स है वो कैसे ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए हैं और कैसे उनकी इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमन वर्ल्ड में और कैसे वो ह्यूमन वर्ल्ड में आए हैं और आ करके वो क्या करेंगे, क्या उनके प्लान से कैसे वो ह्यूमैनिटी को टेक ओवर करते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको एक ह्यूमैनिटी भी दिखाई जाती है, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी एनिमे में जिन्हें देख करके आप अपनी ह्यूमैनिटी को क्वेश्चन करने लग जाओगे। मतलब कि कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली जो आप देख करके सोचोगे कि यार ये कितनी ज़्यादा घिनौनी चीज़ है या मतलब कितनी बुरी चीज़ है, ये चीज़ कैसे कर रहे हैं लोग। और कुछ देर बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो मैं ही हूँ, मतलब मेरी सोच भी तो ऐसी है जितनी घिनौनी मुझे चीज़ लग रही है चीज़ें, और मेरी सोच भी तो उतनी ही वैसी है। तो मतलब ये जो पूरा एनिमे है ना आपकी ह्यूमैनिटी को क्वेश्चन करेगा और आपकी ह्यूमैनिटी को एक तोलने पे मजबूर कर देगा कि आप एज ए ह्यूमन आपका माइंड सेटअप क्या है और आप क्या सोचते हो और आपके अंदर ह्यूमैनिटी कितनी रह गई है या फिर आप कितना ज़्यादा लस्टफुल हो या जो सेक्सुअल कंटेंट है आपने कितना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है और वही सिर्फ आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है और उसी के अराउंड आपकी ज़िंदगी भी चलती रहती है। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही तो कहीं ना कहीं आप खुद को उस एनिमे में पाओगे और आपको शुरू में चीज़ें घिनौनी लगेंगी कि यार कितने गलत कर रहे हैं, कितना ये है कितना वो है, लेकिन कुछ देर बाद आप सोचोगे कि यार ये तो मैं ही हूँ, ये बंदा तो मैं ही हूँ। इस तरह की सोच रखने के लिए आपको एनिमे थोड़ा पुश करता है, इस तरह की चीज़ें आपको फील कराता है एनिमे, वो फील कराने में टोटली कामयाब हो जाता है और दिखलग ही फील करा के रखता है। और आपको उसके बावजूद एकदम से ऐसे मोमेंट चेंज होते हैं एनिमे में और इतनी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं कि मतलब आप देख करके सोच भी नहीं पाते कि जब आपने एनिमे देखना शुरू किया था तो कि भाई कि चीज़ें कहाँ शुरू हुई थी और कहाँ ख़त्म हो रही हैं और कैसे जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कमाल की। और एनिमे क्वालिटी की बात करूँ तो मैं अच्छी या बुरी इसकी एनिमे क्वालिटी नहीं करूँगा, एक अलग तरीके का एनिमे देखने को मिला, एक अलग तरीके के एनिमे का एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला। ये एनिमे क्वालिटी अच्छी है वो आप डिसाइड करना देखने के बाद, और आप कमेंट करके बताना कि आपको एनिमे क्वालिटी कैसी लगी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी और एक अलग ही एक्सपीरियंस था एनिमे देखने के लिए भी, एनिमे भी इतनी ज़्यादा वैरायटी आ रही है तो ये चीज़ देख करके एक एनिमे फैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं इस एनिमे में भरी पड़ी हैं, आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको देखना भी चाहिए, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर आपको अपनी ह्यूमैनिटी को इवेल्युएट करना है तो आपको ये देखना चाहिए, मतलब बहुत ही चीज़ें होंगी यार, बहुत ज़्यादा ऐसे हिला देने वाली। और अकेले में देखना है इसको, फैमिली के साथ मत देखना, बहुत पछताओगे भाई साहब, बहुत ज़्यादा पछताओगे। और वैसे इतना ही एनिमे, 10 एपिसोड का एनिमे है और 20 से 24 मिनट का जो है वो एक एपिसोड रहने वाला है, तो आप धीरे धीरे जल्दी देखकर ख़त्म भी कर लोगे, इतना ज़्यादा कोई अटैच होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना ज़्यादा लंबा एनिमे नहीं खींचेगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हुआ और कब ख़त्म भी हो गया। और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले आपको एनिमे में, जो मैंने आपको बताया उस तरह की भी चीज़ें होंगी। बाकी इतना ही इस वीडियो में और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बात करने को तो मैं बहुत ज़्यादा भी करता हूँ लेकिन फिर ना वो 10 एपिसोड में से आपको इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दूँगा ना मैं आपको, तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस एनिमे को देखें और अपनी ह्यूमैनिटी को वैल्यूएट कीजिए। और तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और एनिमे के बारे में बात करते हैं, किसी वेब सीरीज या किसी मूवी के बारे में, तब तक के लिए बाय बाय।